Hello, today in this video we are going to study further proceed and we are going to know about what is the ionization energy, what is the ionization energy or what is the ionization enthalpy. Both is same, there is no difference between the ionization enthalpy and the ionization energy. Dono same hai, okay? Ionization energy and ionization enthalpy. Now we are going to study about that. What is ionization energy? Suppose that this is atom and the inside this, there is the nucleus and there is in the different orbit the different electrons are arranged. Okay, then if the last orbit, from the last orbits, if one electron is removed, then energy is required. The energy required to remove this last electrons of this last orbit is known as the ionization energy. Okay, हम लोग क्या कर रहे हैं? आयो ना मतलब आयो उसको बुला रहे हैं. आयो ना मतलब उसको बुला रहे, मतलब एनर्जी देना पड़ेगा. एनर्जी जैसे ही देंगे तो उसको बोले आयो ना एनर्जी, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी. ओके, इसको सिंपल इस तरह से याद करें, आयोनाइजेशन एनर्जी. आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये होता है कि अब लोग लास्ट ऑर्बिट पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स होता है एटम के आखिरी शेल में, एक इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए, बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी. और अभी इसको आयोनाइजेशन एन्थैल्पी के तौर पर जो है केमिस्ट्री में ज्यादा यूज किया जाता है, आयोनाइजेशन एन्थैल्पी के नाम से जाना जाता है. और कुछ भी नहीं है कि हम लोग बुला रहे हैं उसको आयोना आयोना, तो उसको बुला रहे तो एनर्जी देना पड़ेगा, लालच देना पड़ेगा. तो एनर्जी है वो जो लालच दे रहे हैं, मतलब एनर्जी दे रहे हैं, उसी को बोलेंगे एन्थैल्पी, आयोनाइजेशन एन्थैल्पी या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी. ओके, नाउ हाउ इट वेरी इन द पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल. नाउ इट इज अ क्वेश्चन. पीरियोडिक इसके हिसाब से देखें तो आयोनाइजेशन एनर्जी है अगर लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं, अगर लेफ्ट से सॉरी राइट से लेफ्ट की तरफ अगर बढ़ेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो डिक्रीज होगा. आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगा. एंड टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो भी डिक्रीज होगा. एंड जस्ट अपोजिट टू द आयोनाइजेशन एटोमिक रेडियस. ओके, इट इज टोटली डिफरेंट. ये आयोनाइजेशन एटोमिक रेडियस में क्या होता था, ऐसे ऐसे से ऐसे आने से जो रेडियस होता इंक्रीज होता था, ऐसे से ऐसे आते थे तो रेडियस क्या हो जाता था, इंक्रीज होता था. लेकिन यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा. ये समझ सकते हो कि द रिलेशन बिटवीन द आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एन्थैल्पी विद द एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज इज इनवर्सली रिलेशंस. द डायरेक्शन इन विच द आर इज इंक्रीजेस इन द सेम डायरेक्शंस द आयोनाइजेशन एन्थैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी विल changes opposite to that of the radius. Okay, now what is the no need to study these things. It is the no need to, you become free from this. But the diagram which I am drawing, you must have to remember that in this direction, इससे इस direction में क्या होगा, ऐसे direction draw कर लो और I का जो direction है वो क्या है, decrease हो रहा है. मतलब period में हम जो है right से left की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, ionization एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा. डिक्रीज होगा मैंने जैसे ज्यादा करेंगे, मतलब जितने सारे न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है या इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जितनी ज्यादा बढ़ेगी हमको निकालने में उतनी दिक्कत होगी, क्योंकि उन लोगों को सॉलिडिटी आएगा. और जो है इसमें क्या होगा, इसमें भी वही केस है, इसमें तो बढ़ ही रहा. तो इस केस में आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है. और इस केस में इंक्रीज हो रहा है क्योंकि इस केस में बढ़ रहा है. ओके, इस केस में कम हो रहा है. ठीक है, ऐसे से ऐसे जाएंगे, सिंपल. इससे पहले भी ऐसे से ऐसे दिखाए थे, इसमें आर का वैल्यू इंक्रीज कर रहा था, इसमें आई का वैल्यू डिक्रीज करेगा. यहाँ पे भी वैसे लिखा हुआ है, एक बार तसल्ली के लिए एक बार देख लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल के लिहाज से हम लोग क्या करते हैं कि बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं. बाया किधर है, इधर है, दाएं की तरफ इधर है, तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा. उसी तरह हम दिखाए, हम इधर से इधर दिखाएं तो यहाँ पे बोला बढ़ेगा, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है घटना चाहिए. तो ऐसे से ऐसे जाओ, दोनों का इस तरह से डायग्राम सेम रहेगा, नो कंफ्यूजन. ओके, कोई भी कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है. ओके, नाउ इन दिस केस व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है लेनियस पॉलिंग, उन्होंने डेफिनेशन दिया व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कहेंगे, असल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, अगर भूल जाओ तो सिर्फ इतना बात याद रखना कि एटम जो है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत रखता है. द कैपेसिटी ऑफ द पुलिंग ऑफ द एटम्स पुलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन.
दिस प्रॉपर्टी ऑफ द एटम इज नॉन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ओके, इट इज वेरी फ्रॉम द व्हेन वी गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल्स एंड टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल्स एंड हाउ इट वेरीज वी हैव टू नो एंड लेट अस फाइंड आउट हाउ इट वेरी. बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द कैपेसिटी ऑफ द अट्रैक्टिंग. असल में क्या है, उनसर का एक एटम इलेक्ट्रॉन को जिस कुवत से कशिश करता है, खींचता है, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अकॉर्डिंग द लाइन इज कॉलिंग एंड हाउ इट इज वेरी यू नो यू मस्ट हैव टू नो अबाउट दैट. बट हाउ इट इज वेरी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट व्हेन वी गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिक्रीजेस एंड ऑल्सो डिक्रीजेस व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तब भी घटेगा और राइट से लेफ्ट की तरफ तब भी घटेगा. हम यहाँ पे क्लियर कर देना चाहेंगे कि यहाँ पर बाएं से दाहिने की तरफ बोला है, हम दाहिने से बाएं की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे बढ़ना बोला है तो यहाँ पे घटना होगा. ओके, उल्टा होगा. ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा. बढ़ने से क्या होगा, घटेगा. तो यहाँ देखो घट रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ दाएं से दाहिने से बाएं की तरफ जा रहे हैं तो घट रहा है, और ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो घट रहे हैं. उसके बाद याद रखना एक छोटा सा पॉइंट ये है कि ग्रुप 18 में जितने सारे एलिमेंट्स हैं उनका जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर कितना होता है, जीरो रहता है. ओके, नाउ व्हाट इज द मेटेलिक कैरेक्टर. मेटेलिक कैरेक्टर्स बोलते हैं अगर कोई इलेक्ट्रॉन है कि एटम के इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का जो प्रॉपर्टी होता है, मतलब लॉस कर देगा कितना जल्दी, और जो जिद्दी होगा लॉस नहीं करेगा. इसके बेसिस पर हम मेटेलिक कैरेक्टर या फिर पर में देखो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है. ओके, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का कुछ उल्टा होगा, तो ये क्या होगा, सेम डायग्राम होगा लेकिन ये डिक्रीज हो रहा है ना, ये इंक्रीज होगा. ओके, ये डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज होगा. यू हैव टू तुम्हें जानने की जरूरत है कि क्यों डिक्रीज होगा क्यों इंक्रीज होगा. मेटेलिक कैरेक्टर पीरियड में, जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम में ड्रॉ कर दिया या फिर ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो मेटेलिक कैरेक्टर है, तो इसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी है, ऊपर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी है, ऊपर में क्या हो रहा है डिक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा, इतना बात याद रखना. नेगेटिविटी डिक्रीज करेगा, नेगेटिव डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीज करेगा. ओके, नाउ व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग पावर. यू विल लर्न मोर अबाउट इन द फ्यूचर क्लास, इन द नेक्स्ट क्लास. एंड नाउ टुडे वी यू हैव टू रिलाई on the how its character varies from when we going from left to right and top to bottom in the periodic table. So अगर यहाँ से यहाँ तक बढ़े, जैसे कि देखो यहाँ पे mention किया गया है कि जो reducing power character या फिर oxidizing character या power है, हम लोग क्या करते हैं कि जो period है ना उसको बाएं से दाहिने की तरफ, बढ़ने से बढ़ेगा लेकिन हम कहाँ ऐसे ले जा रहे हैं, इसका मतलब घटेगा. उसके बाद क्या मेंशन किया है कि ऊपर से नीचे की तरफ जाने से ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा. हम घटने का साइन दिया ना, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे. तो इसका जो है सबसे अलग है. ओके, इसका जो डायग्राम है वो सबसे अलग है, और सब ऐसे ऐसे जा रहा है और डिक्रीज कर रहा है, या ऐसे जा रहा और इंक्रीज कर रहा है, ऐसे जा रहा और ये डिक्रीज कर रहा है. ओके, पीछे में भी इस तरह से देख लेना. नाउ द चैप्टर बिकम फिनिश्ड. ओके, अगर इसके दौरान अगर कोई क्वेश्चन हो तो तुम मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. ओके, और ड्यूरिंग सॉल्विंग द एक्सरसाइज इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क द क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स. ओके, थैंक यू.